माननीय सदस्य ने जिन 17 गांव की बात की, सरकार द्वारा क्लेम्स वेरीफाई किए गए, लगभग 11 करोड़ 80 लाख रुपए के क्लेम्स उस सीजन के बने और 11 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी और आगे सब डिवीजन की ट्रेजरी में भेज दी, क्योंकि पिछले साल ये निर्णय लिया गया था कि अब चेक नहीं काट के दिए जाएंगे, डीबीटी किया जाएगा। क्योंकि फार्मर्स अपनी डिटेल्स रेगुलरली अपडेट कर रहे हैं, लगभग 4 करोड़ रुपया ऑलरेडी फार्मर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है और बचा हुआ जो पैसा है 7 करोड़ 80 लाख रुपया, वो भी जल्द फार्मर्स को दे दिया जाएगा। ये है जो नॉन इंश्योर्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फार्मर्स का जो क्लेम बनता था, जैसे माननीय सदस्य ने बताया, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंकिंग सेक्टर का एक कंसोलिडेटेड प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्रॉप कटिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और उसके साथ साथ आपको 48 घंटे के अंदर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है और 12 दिन के अंदर उसकी वेरिफिकेशन कंपनी के लोग जाकर करते हैं। मैं सदन के साथ साझा करना चाहता हूं कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल हमारा है हरियाणा सरकार का, उसके ऊपर स्पेसिफिकली आगजनी, आपके बाढ़, ओवर रेनफॉल, ओलावृष्टि, अगर किसी की क्रॉप डैमेज हो जाती है तो हमारे द्वारा विद इन 15 डेज लास्ट सेशन के बाद पोर्टल बना दिया गया था, क्षतिपूर्ति पोर्टल। आज किसी किसान की फसल खराब होगी, डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा, मगर किसान के पास भी पावर है कि वो फोटो अपने मोबाइल से खींचकर जियो टैग कर अपलोड करे। और मैं साझा कर दूं कि अभी जब इस सदन में बोल रहा हूं, 160 से ज्यादा किसानों ने हरियाणा प्रदेश में अपनी क्रॉप डैमेज रिपोर्ट करी। और इस सदन के प्रोसीडिंग्स के माध्यम से मैं प्रदेश में भी बोलना चाहता हूं, अगर आपके कहीं ओवर रेनफॉल हुआ है और क्रॉप लॉस हुआ है तो क्षतिपूर्ति पोर्टल पर, मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो पोर्टल है उसी में क्षतिपूर्ति है, उस पर अपलोड करके किसान सरकार को इमीडिएटली रिपोर्ट कर सकता है कि उसके क्रॉप लॉस।